हेलो एवरीवन, ईटी मिचेस पर आपका स्वागत है। आज हम बाजार में मिलने वाले रोज फ्लावर की मिठाई अपने घर पर बनाएंगे, जिन्हें बनाने के लिए हमें सिर्फ चार ही चीजों की जरूरत होगी और इसके लिए हमें किसी मोल्ड की भी जरूरत नहीं होगी। हम इसे अपने हाथों से डिजाइन बना करके बनाएंगे, जो कि देखने में भी सुंदर है और खाने में भी टेस्टी है। तो चलिए इसे कैसे बनाना है ये देखते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो ईटी मिचेस को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस रोज फ्लावर स्वीट को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम बादाम लिए हैं आलमंड्स, 180 ग्राम मैंने ली है चीनी, जो कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हो। हाफ टी स्पून इसमें हम डालेंगे रोज एसेंस, आप हरी इलायची का पाउडर भी इसमें डाल सकते हो अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है। और साथ ही रेड फूड कलर लिया है, इसमें कलरिंग करेंगे हम, जो कि ये भी ऑप्शनल है। अगर आपको कलर इसमें पसंद नहीं है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हो। तो ये ही चार बेसिक चीज है जिसकी हमें जरूरत होगी इसे बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम बादाम में पानी डालेंगे, तो इसके लिए हम बादाम में उबला हुआ पानी डाल देंगे। इसे मैंने अभी अभी गर्म किया है पानी को, इतना हम इसमें पानी डाल देंगे और इसे हम बादाम को इसमें भीगे रहने देंगे। ये देखिए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं बादाम को भीगते हुए, और अब इसका छिलका जो है ये थोड़ा सा लूज पड़ चुका है, तो आराम से इजिली ये निकल जाएगा। तो इसका हम पानी निकाल देंगे और सारे बादाम के छिलके हम छील लेंगे और फिर इन्हें हम इस तरह से किचन क्लॉथ के ऊपर निकालते जाएंगे ताकि इसमें जो भी पानी होगा वो निकल जाएगा। तो सभी बादाम हम छील लेंगे और इस तरह से कपड़े के ऊपर उन्हें रख लेंगे। ये देखिए मैंने सभी बादाम छील लिया है। तो अब हम इन बादाम के टुकड़ों को मिक्सी में डाल करके मिक्सी को पल्स करते हुए पीस के इसका पाउडर बना लेंगे। मिक्सी को हमें बीच बीच में रोकना होगा। ये देखिए मैंने बादाम को पीस के इसका पाउडर बना लिया है और ये एकदम थोड़ा सा दरदरा पाउडर है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम पीस रहे हो बादाम को तो आप इसे दो बैचेस करके फिर पीसे। तो अब हम इसे निकाल लेंगे किसी प्लेट में। अब मैंने गैस पर कढ़ाई को रखा है गर्म होने के लिए। इसमें हम डाल देंगे चीनी, और चीनी के साथ इसमें हम डालेंगे 3/4 कप पानी, और मीडियम से थोड़ी सी कम आंच पर पहले हम चीनी को मेल्ट होने देंगे। ये देखिए चीनी में अब उबाल आने लगा है, चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो इसमें हम डाल देंगे फूड कलर और इसी के साथ रोज एसेंस भी इसमें हम डाल देंगे। ये देखिए एक मिनट और पका लेने के बाद अब इसमें थोड़ा सा लंबा तार बन रहा है, तो ये परफेक्ट स्टेज है बादाम पाउडर इसमें डालने की। गैस के आंच को स्लो पर ही रहने देंगे और जो पाउडर हमने बनाया है बादाम का वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसके साथ हम इसे मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे हम। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो इसे अब हम थोड़ा सा पका लेंगे। ये देखिए मैंने इसे एक मिनट तक के लिए लगातार चलाते हुए पका लिया है और ये काफी हद तक गाढ़ा हो चुका है। तो इसमें अब हम डालेंगे लास्ट में 1 टीस्पून देसी घी, ताकि ये इजीली कढ़ाई की एजेस को छोड़ दे, और अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अभी एकदम लंप की तरह इकट्ठा होने लगा है, एकदम डो की तरह प्रिपेयर हो चुका है। तो अब हम गैस की आंच को बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को अब हम किसी ग्रीस की हुई थाली या बाउल में निकाल लेंगे और इसे अब हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए अब हमारा जो मिक्सचर है ये काफी हद तक ठंडा हो चुका है, तो हम अपने हाथों को अच्छे से साफ कर लेंगे। और अभी ये हल्का सा वॉर्म है तो इस टाइम पर हम इसकी थोड़ी सी मसल लेंगे इसे हम। तो अगर आपको ये ज्यादा गर्म लगे तो आप इसे चम्मच से इस तरह से मसल सकते हो, जिससे कि आपके हाथ भी ना जले। तो 1 से 2 मिनट के लिए इसे हम अच्छी तरह से इस तरह से मसल लेंगे, जिससे कि ये इसमें बाइंडिंग आ जाएगी। ये देखिए मैंने इसे थोड़ा सा मसल लिया है। तो अब हम हाथों पर हल्का सा घी लगा लेंगे और सबसे पहले हम इसका बेस तैयार करेंगे, इसकी स्टेम बना लेंगे हम। तो इस तरह से पहले हम इसकी गोल बॉल बना लेंगे और इस तरह से देखिए अपने इस हिस्से से हम इसे पतला करते जाएंगे और ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा इसका मोटा रहेगा। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से हम इसे देखिए दबा देंगे ताकि नीचे इसका एक बेस बन जाए। तो ये देखिए इस तरह से हम कुछ बना करके रख लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर कुछ छोटे छोटे ज्वालामुखी आई मीन टू से इस तरह से बेस इनका बना करके तैयार कर लिया है, और इस बचे हुए मिक्सचर को हम रोल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक बेकिंग पेपर लिया है, इस पर हम हमारा बचे हुए मिक्सचर को रख देंगे। हाफ अमाउंट रखेंगे इसके हम पहले, ताकि बेलने में आसानी रहे। तो पहले इसका हम बॉल बना लेंगे, अच्छे से इसे रोल आउट कर लेंगे हम।
और इसके ऊपर हम दूसरा हिस्सा रख देंगे इस बेकिंग पेपर का, और बेलन की सहायता से इसे हम रोल कर लेंगे। आप किसी प्लास्टिक की शीट का भी यूज़ कर सकते हो, और ये मैं बेकिंग पेपर यूज़ कर रही हूँ तो इस वजह से मुझे इसे ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। तो हल्के हाथों से बेलन की सहायता से इसे हम थोड़ा सा पतला बेल लेंगे। ये देखिए मैंने इसे पतला पतला बेल लिया है, और जिस तरह से हम नॉर्मली काजू कतली बेलते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसे पतला रखा है। तो अब हम किसी गोल ढक्कन से या किसी भी चीज़ से हम इसे गोल गोल कट कर लेंगे। इसकी छोटी छोटी डिस्क हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी पतली पतली डिस्क कट कर ली है, और आप देख सकते हो काफ़ी पतली है ये। तो अब हम एक स्टेम लेंगे और इस पर इस तरह से हम इसे चिपका देंगे। ये इजीली चिपक जाएगी, देखिए इस तरह से हल्का सा हमें बस नीचे से इसे प्रेस करना होगा। और फिर इसी तरह से हम दूसरी डिस्क ले लेंगे और पूरी तरह से हम फ्लावर को प्रिपेयर करते जाएंगे। तो हल्का सा इसे हम खोल देंगे ताकि दूसरी वाली इस तरह से लगे, ताकि प्रॉपर फ्लावर की शेप में ही आ जाए। देखिए इस तरह से हल्का सा इसे हम दबा देंगे। तो इसी तरह से हम दो से तीन डिस्क आपस में जोड़ देंगे जिससे कि सुंदर सा फ्लावर बन जाएगा हमारा। तो ये देखिए इस तरह से आप देख सकते हो काफी सुंदरता से ये बन रहा है, काफी अच्छा बन रहा है ये। और हल्का हल्का हम इसे प्रेस करते जाएंगे। तो तीन से चार डिस्क हम लगा देंगे इसकी पेटल के तौर पर। ये देखिए इस तरह से, और नीचे से हम इसे थोड़ा सा इस तरह से कर देंगे, और एक पेटल हम और लगा देंगे यहाँ पर। फिर देखिए हल्का सा इसे हम नीचे से दबा देंगे, इस तरह से रोल कर देंगे, और फिर इसकी जो पत्तियाँ हैं वो हम इस तरह से बाहर निकाल देंगे इस तरह से। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा फूल फ्लावर बना है हमारा, आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो जितने भी हमारे फ्लावर है हम इसी तरह से बना करके तैयार कर लेंगे, उन्हें हम प्लेट में रखते जाएंगे। अब यहाँ पर एक टिप है आपके लिए, जैसे कि हम फ्लावर बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इतनी देर में हमारा जो बाकी का बचा हुआ मिक्सचर है ये सेट होने लग जाता है, सूखने लग जाता है। तो ऐसे में डिफ़िकल्टी आती है फ्लावर को प्रिपेयर करने में। तो हम इसमें थोड़ा सा कुछ बूंदे दूध की डाल देंगे जितनी की ज़रूरत हो, ज़्यादा बिल्कुल भी ना डालें। और दोबारा से इसे हम मिक्स कर देंगे जिससे कि इसमें प्रॉपर अमाउंट में मॉइस्चर आ जाएगा, और अब हम इजीली इसके फ्लावर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सभी फ्लावर हम बना लेंगे। तो ये लीजिए मैंने कुछ रोजेस बना करके तैयार कर लिया है, जो कि आप देख सकते हो कि काफ़ी सुंदर बने हैं और खाने में भी टेस्टी हैं। और आपने देखा कि सिर्फ चार ही चीज़ों की मदद से हम बहुत ही आसानी से बाजार वाले रोज फ्लावर की मिठाई अपने घर पर बना सकते हैं। तो आप भी इसे घर पर जरूर बनाइएगा इस दिवाली, सभी को ये पसंद आएगी। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसकी ये जो पेटल्स हमने बनाई है, ये डिस्क हमने जो बनाई थी, ये आप ज़्यादा पतला ना करें, क्योंकि ज़्यादा पतला कर लेने से इसमें बॉडी कम रह जाएगी जिसकी वजह से ये टूटने लगेगी। तो हल्का सा मीडियम थिक उसे रखिएगा, और इस सुंदर सी मिठाई को घर पर जरूर ट्राई करेगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें, और साथ ही ई डिलीशियस को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। किसी टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस रोज फ्लावर स्वीट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ई डिलीशियस।